अच्छा भाई, ये वाला सवाल भी आईके के पास पेपर्स का है और ये है ऑटम 2011 का क्वेश्चन 3A। सवाल में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यू जो है वो 5x² - 1 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू, यू की जगह लिखा 5x² - 1, और डिनोमिनेटर में भी जो यू है उसकी जगह लिख दिया 5x² - 1 और एक प्लस 1 भी है। इसको सॉल्व किया ये बनेगा 5x² - 1 डिवाइडेड बाई 5x², क्योंकि माइनस वन प्लस वन खत्म हो जाएगा। फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5x² / 5x² माइनस 1/5x². ये दोनों कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो गए, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 - 1/5। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर गया अगर तो ये बन जाएगा x^-2। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 और दूसरी साइड पर -x^-2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 पहले, और x^ हो जाएगी -2 - 1 - 3 / 5। ये इसको हम लिख सकते हैं 2/5 और x³ नीचे। अब भाई x जो है ना वो 2 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 और 2³। 2³ 8, 8 × 5 इज 40, और 2/40 या फाइनल आंसर 1/20 बन जाएगा।